खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। शनिवार को खिलचीपुर एसडीएम पल्लवी बैद्य के नाशत में नायब तहसीलदार नवीन चंद कुमकर, पटवारी जगदीप चौहान, आशीष नागर, राजस्व अमले के साथ अवैध आतिशबाजी भंडारण व अमानक खाद बीज की जांच करने पहुंचे, जहां उन्होंने आवास कॉलोनी व एसबीआई बैंक के पास बचन रोड पर चेकिंग की, जिसके कारण अवैध रूप से गांव के बीच आतिशबाजी विक्रय करने वाले दुकानदार दुकानों पर ताले लगाकर भाग गए। एसडीएम ने आवास कॉलोनी स्थित महेश पिता विष्णु अग्रवाल की दुकानों को सील कर दिया। वहीं एसडीएम पल्लवी वैद्य ने खाद बीज की दुकानों की चेकिंग भी की। अब महेश इलेक्ट्रिक की खाद व बीज कीटनाशक दुकान को लाइसेंस व दस्तावेज नहीं दिखाने पर सील कर दिया। गौरतलब है कि पेटलावद हादसे के बाद आतिशबाजी के विक्रय हेतु प्रशासन सख्ती में आया था। अब हम नगर के बीच आतिशबाजी का भंडारण व विक्रय पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु धीरे धीरे पुनः आतिशबाजी का विक्रय किराना स्टेशनरी आदि की दुकानों में गांव के बीच में धड़ल्ले से जारी है। वहीं भारी मात्रा में व्यापारियों ने अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर आतिशबाजी का स्टॉक कर रखा है, जो कि किसी भी दुर्घटना को सीधा निमंत्रण दे रहा है। कार्रवाई होने पर व्यापारी माल हटा ले या ताले लगाकर भाग जाते हैं। दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए नायब तहसीलदार नवीन चंद कुमकार ने सख्ती दिखाते हुए हिदायत दी है कि आतिशबाजी का भंडारण व विक्रय करने पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वहीं खिलचीपुर एसडीएम पल्लवी वैद्य ने बताया कि आतिशबाजी के साथ ही अमानक व अवैध रूप से खाद बीज कीटनाशक का व्यापार करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। शिकायत मिलने पर जांच उपरांत सख्त कार्रवाई की जाएगी। माचलपुर से घनश्याम गुर्जर की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।